अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد। दोस्तों, आज सोमवार का दिन 26 अक्टूबर 2020 दी खूबसूरत सुबह फ्रैंकफर्ट जर्मनी तो यह तुसी देखा होगा चलदिया कि बारिश जारी है, और ये बारिश उस तेज बारिश नहीं, ये बारिश है यूरोपियन बारिश जिहड़ी कि अक्सर व बेशतर इस खिते दे विच जारी रहिंदी है। बदल इस तरह तुहानू नज़र आते रहेंगे और हल्की हल्की फुहार जिन्हों कहिंदे ने असी साडी जबान च वह वाली है, देखो ना हल्के हल्के कतरे पै रहे ने, नज़र आ रहा है कि बारिश है, लेकिन इनू साडे मुल्कां दे विच बारिश नहीं कहा जाता, इनू क्या की कहिंदे ने हल्की हल्की छनमन या इस तरह का कोई लफज़ हुण इत्थे यूरोप च सैटल हो के इस तरह साडी पंजाबी उर्दू भी जिहड़ी है ना कई लफज़ जिहड़े बड़े अच्छे साडी जबान दे विच मिलदे ने इत्थे आके इस तरह असीं वक्त दे नाल नाल भुलदे जा रहे हैं। एज दा भी यही तकाजा, जे तुसीं यूज़ जिहड़ी चीज़ नहीं करोगे उहनूं भुलदे जाओगे। मैं जिहड़ी अज गल करना चाह रहे सी ओह वे साडे मुल्क पाकिस्तान, साडे प्यारे देश पाकिस्तान दा मुस्तकबिल या उहदा मौजूदा हाल। एक चीज़ तो कोई भी बंदा इख्तलाफ नहीं करेगा या इनकार नहीं करेगा कि झूठे इंसान दा कोई लॉन्ग टर्म जिन्हों कहिंदे ने ना लॉन्ग टर्म मुस्तकबिल नहीं हो सकता। जिहड़ा झूठा इंसान इस दुनिया दे विच ओ दाद भला के ते दूजे कोलों कोई ना कोई फायदा उठा लेगा, लेकिन एक दिन ओ जरूर की कहिंदे ने जमाने दे विच बेइज्जत होएगा और उहदिया जो किता कराया वह सामने आ जाएगा। वह कहिंदे ने 99 दिन चोर दे ते एक दिन सिपाही दा, ये मुहावरा जिहड़ा ये साडे मुल्क च इस टाइम बड़ी शिद्दत दे नाल सा क्लीयर नज़र आ रहा और साबित हुंदा नज़र आ रहा। साडा मुल्क है, सानू इस चीज़ का बहुत अफसोस हुंदा है, बहुत दुख हुंदा है जदों साडे ओ रहनुमा ओ लीडर जिन्हां ने मुल्क नू लीड करना है और वो एक मॉडल फिगर ने बाकियां लोकां वास्ते किसी भी फील्ड चले जाओ, वो उन्होंने रोल मॉडल बन के दसना है लोगों कि भी असी लीडर हाँ तो तुसी साडे नक्शे कदम ते चलो। जदों बच्चा छोटा हुंदा ना तो उन्हूं मावां सिखांदियां ने कि फलां बंदा तुसी देखो जी वो यह कर लिया, उन्हें इस तरह किया, लेकिन साडे मुल्क च बदकिस्मती दे नाल जो भी चंगा बंदा वे, जो भी अच्छा इंसान है, जिन्हें कोई दुनिया दे विच नाम कमाया, जिन्हें मुल्क दा नाम रोशन किया, उन्हूं साडी बदकिस्मत कौम ने कह लो या साडे और रहनुमा जिन्हां कोलों कौम अगों बच्चियां ने सीखना या उन्होंने उन्होंने बुरा बना के उन्होंने अपने मुल्क दे विच इस तरह दिखाया कि जैसे बहुत ही घटिया लोग ने और बहुत ही उहदी मिसाल उहदी डिटेल च जाण दी जरूरत नहीं, मेरा ख्याल इशारा ही काफ़ी है। वो मुल्क जिन्हां दे चपड़ासी तों लग के सदर वजीर आजम तक माल खाण ते लगे होण, परसेंट खाण ते लगे होण, उहनां मुल्कां ने अल्लाह ताला ने उहनां नूं जिन्ना भी दे दित्ता, दुनिया जहान दियां सारियां चीज़ां जिन्हां वास्ते मुल्क तरसदे ने, जिन्हां ने तरक्की कर ली अपनी ईमानदारी दी बेस ते, वह अल्लाह ताला ने उन्होंने सोर्सिस दिते ने, सारियां मादियां हर मौसम हर फसल हर चीज़। लेकिन वजह की एक ना तरक्की करन दी, वजह सिर्फ इत्थे आके मुक जांदी है कि उत्थे करप्शन और झूठ इन्ना ज़्यादा कि एक चपड़ासी लैवल तो थल्यों या एक सफाई करने वाला बंदा उत्थों लग के उत्ते वड्डे तो वड्डे लैवल तक चले जाओ, यानी कि प्रेजिडेंट मुल्क का हो गया, वजीर आजम हो गया, दूसरे वजीर हो गए, सारे दे सारे इन्ना झूठ बोलते हैं, इन्ना झूठ बोलते हैं और इन्नी की कहते हैं ठिठाई पाने नाल कि वह लोगों को इंज लगन लग पैंदा कि जिवें वाकई सच हो जाना, जिवें सच आते ने झूठ नूं इन्ना बोलो कि वह सच लगन लग पे। साडे मुल्क दे विच हुण पिछले 20 साल तो तुसीं कढ लो इहदी हिस्टरी, जिहड़ा वजीर आजम बने हैं, जिहड़ा सदर बने हैं, उन्होंने जुतियां मार के ते लाया गया, क्यों
की है, करप्शन की इन्होंने, इन्होंने यह बना लिया, इन्होंने वह बना लिया। ये फैक्ट्स ने, यह कोई कहानी नहीं, ये फैक्ट्स ने। कोई सदर, कोई वजीर आजम जिहड़ा भी लाया गया है, उहदे उत्ते बाद विच सब तों पहला यही काम होया कि उन्हें जनाब इन्ने अरब इन्ने खरब की उन्हें करप्शन कर ली, इन्ना उन्हें। और आवाम जिहड़ी है, वह आवाम जिहड़ी उन्हां दे अंडर पनप रही है, उन्होंने उन्होंने दोबारा वोट दे के फिर घूमच लिया। इस जिहड़ा मजाज है, जिहड़ी साडी टोन मुल्क की सैट हो चुकी है। यह हुण तुसीं अगला वीडियो का एक क्लिप देखो इसे दे विच ही कि वह वजीर आजम नवाज शरीफ जिहड़ा बेनज़ीर भुट्टो नूं ओ गालियां और ओ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि कित्थों आ गई है, किन्ने इहनूं लैंदा हो रहा, वह तो पता नहीं फलाने। उही वजीर आजम का पुत्र, उस जिहड़ा वो वजीर आजम का बेटी मरियम नवाज जी हूँ उन्होंने बुला बुला के नाल बिठा रही उस वजीर आजम, और गैरत का अंदाजा लगाओ। माँ सुन सुना के सारा, खैर वैसे तो गैरत की गल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जोड़े बच्चे इन्होंने मुल्कों के आके वे हुए हैं या जिन्होंने करप्शन का पैसे के नाल प्रवान चढ़े, उन्होंने गैरत का की पता होंगे। गैरत तो उन्होंने लोगों को होंगी बेचारे जिन्होंने कोई गुरबत च टाइम गुजारिया हो, जिन्होंने कोई थोड़ा बहुत गैरतमंद फैमिली के जिन्होंने पहले दिन तो ही अख खोली और उन्होंने झूठ और करप्शन के पैसे के नाल मौजा ने बाहर यूरोप के पढ़े ने। ये दोनों वजीर आजम के बच्चे लै लो, वजीर आजम रहा नवाज शरीफ, वजीर आजम रहा अपना सदर रहा जरदारी बेनज़ीर रही वजीर आजम, इन्हों के बच्चे जड़े ने, इन्हों के गैरत किस तरह पैदा हो सकती है? को नामुमकिन है। जिन्होंने खुड़ती करप्शन के पैसे नहीं मिली, जिन्होंने मुल्क के गरीब आवाम का टैक्स और जड़िया मादनिया पैदा, उन्होंने पैसा खा खा के बार अरबा रुपए की जायदाद बना लिया, और वह जाके तो उत्थे मुल्कां तकरीर कर रहे हैं कि भाई असी तुहाड़ी तकदीर बदलांगे, असी जनाब आर्मी जी उन्हूं सिखावांगे कि आइन की हुंदा है और आइन की पासदारी किवें की जाती है। ये साडे मुल्क का इस टाइम हाल हो गया। जिन्होंने अली बाबा 40 चोर वाली कहानी कह लो, बल्कि अली बाबा दे विच किधर है ही नज़र ही नहीं आ रहा, सारे 40 चोर ही नज़र आ रहे हैं। तो इहदा मुस्तकबिल जिहड़ा साडे मुल्क का, जब तक इन्होंने बुनियादी रूट्स जिहड़ियां ने उहदे विच सच नूं नहीं अपनाया और ईमानदारी ना अपनाई, तो यह मुल्क जिहड़ा दिन ब दिन तुसीं इहदी हालत देखो। बज़ाहिर चल रहा मुल्क, सब कुछ हो रहा, क्यों चल रहा? कि अल्लाह ताला ने इन्हूं मादनियात कुदरती ज़राए तो नवाजिया, इन्हों बाहरों सारिया चीज़ा नहीं लैनिया पैदा, और जड़िया पैदा होंदिया ने पनू इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि जो चार बंदे उत्ते बैठे ने या फैक्ट्री वो अपनी जेबा भर रहे हैं, और जड़ा हुकूमत हुक्मरानी तलुकात की बेस से उन्होंने बाहर भेज देंगे ने एक्सपोर्ट करके महंगी प्राइस से, अपने मुल्क के जोड़े लोग ने उन्होंने बेचारे भुख पै जाती है, उन्होंने कीमत जिन बिन उत्ते उत्ते जा रही ने। बुनियादी गल सिर्फ ये कि जोड़ा झूठ है और जिहड़ी करप्शन है, अगर इहदे तों इन्होंने ना जान छड़ाई तो यह एक बहुत ही बुरे हालात, बहुत ही बुरा वक्त जिहड़ा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला ही है, अगर इन्हां दी इश विल नहीं तस तस दे सुमिए काम तस इस तो के लो जी, चलदिया एक बघियाड़ वगैरह कुत्ता अपनी अटकेलियाँ करदे हैं तो साढ़े क्योंकि कल्चर दे विच नहीं है कुत्तियां दे नाल वो अपना इन्नी की कहिंदे ने मिलन उनस, तो वह फिर साढ़े कोल अगर कोई इस तरह कुत्ता आए तो साढ़े वही हुंदा कि पिछे डिस्टेंस, तो उन्होंने मैं यही कह रहा कि भी मैनू ये चीज़ पसंद नहीं है कि कुत्ता आके तो जिवें अटकेलियाँ करदे ना, इत्थे ते सारे लोग आदि ने कुत्तियां दे नाल सैरां करनियां, लेकिन बहरहाल एक कल्चर का सिस्टम है। तो इंशाल्लाह ताला गपशप जिहड़ी है साड़ी हुंदी रहेगी, तुसीं आ वीडियो इंजॉय करो जिहड़ी वो एक दूजे उत्ते उन्होंने इल्ज़ाम लगाए ने, बेनज़ीर दे उत्ते इल्ज़ाम नवाज़ शरीफ दे, ते फिर नवाज़ शरीफ दे उत्ते वह जरदारी दे, ते अंदाज़ा लगाओ कि ये झूठ बटा झूठ बोलन वाले लोग वज़ीर आज़म भी रहे, सदर भी बने, तो अज जो मुल्क दे विच उन्होंने नज़र आया कि एक बंदा ईमानदार है, ओ ठीक है महंगाई भी हो गई है सब कुछ हो गया, उहदे नाल करप्ट बंदे भी होणगे, उहदी अपनी करप्शन या उहदा कोई मकसद कोई पैसा बनाउण दा या मुल्क नूं खाण दा ओह नहीं है, ये चीज़ तो क्लीयर है।
बाकी उहदियां पॉलिसियां ठीक ने गलत ने उहदे नाल जिहड़े बंदे लगे ने उह की ने, लेकिन एक चीज़ क्लीयर कि इन्हां सारिआं नाल जिन्हां वारियां लाईआं ने उह बंदा करप्शन दे मामले दे विच कदे भी साबित नहीं हो सकता कि वह बंदे नूं इह कोई लोड़ सी माल दी, क्योंकि उहने अरबां अरबां रुपया जिहड़ा उहने रिजैक्ट करता जिहड़ा कि उहनूं मिलण दा सीधा सीधा कानूनी तौर ते। ते अल्लाह ताला सब नूं खुश रखे, इंशाल्लाह बाकी फिर होएगी। हमें कहती है गीदड़ है गीदड़, भाई आप फैसला करो, हम गीदड़, मैं गीदड़ हूं। मैं देखने में तो इंसान लगता हूं, गीदड़ तो नहीं लगता ना मैं, ये गीदड़ कहती है हमें। और फिर कहती मेरे पीछे सब पड़ गए हाथ धोकर। मेरे दोस्तों ये तो पाकिस्तान की सख्त तरीन दुश्मन है, आप किसके चक्कर में पड़ गए हो सब लोग? खुदा के लिए कुछ अपनी आंखें खोलो, ये पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली पार्टी है। और आज नवाज शरीफ ने इस पार्टी के साथ क्यों नहीं हाथ मिलाया? इसलिए कि नवाज शरीफ जानता था कि बेनजीर का खानदान इख्तदार की खातिर उसने पाकिस्तान को तोड़ा है, तो नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान के तोड़ने वालों के साथ हाथ मिला सकता है? बोलो मैंने सही कहा या गलत, मैंने ठीक किया या गलत किया? मैंने अगर इनके साथ हाथ नहीं मिलाया तो ठीक किया? अब इसको निकालना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब अगर हमने मियां को छोड़ दिया तो शायद अल्लाह भी हमें माफ न करे। कौमी चोर है ये, आवाम का चोर है, गरीबों का चोर है, मजदूरों का चोर है, ये हारियों का चोर है। इसने हारियों का हक खाया है, इसने आवाम का हक खाया है, और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने माना कि आपने कश्मीर में हुकूमत किसी सरमाएदार के साथ मिलकर बना ली, और हमें सरमाएदार का नाम भी पता है, वक्त आएगा तो हम बताएंगे भी।